एक बड़े शहर के बगल में कोकापेट नाम का एक गांव था। उस शहर से कोकापेट तक रियल एस्टेट का व्यापार तेजी से फैलने लगा। इस वजह से बड़े बड़े रियल एस्टेट कंपनी वाले उस गांव के किसानों को करोड़ों रुपए देकर उनके खेत खरीद लिए। वो किसान उतने पैसों का क्या करना है समझ नहीं पाए और वो सब उस गांव के बैंक को जाकर बैंक मैनेजर नंदन से बात किए। नंदन, देखिए आपके पास जो पैसे हैं वो काला धन है, इसलिए आप इन्हें आपके अकाउंट में नहीं डाल सकते, कहा। तभी बोसो नाम का एक किसान, सर हम रियल एस्टेट कंपनी वालों को हमारे अकाउंट में पैसे डालने के लिए बोले थे, मगर वो लोग इनकम टैक्स का लफड़ा होगा कहकर हमारे हाथ में ये पैसे थमा दिए और अब सोने के दुकान वाले, कार शोरूम वाले, यहाँ तक के अस्पताल में भी वो लोग कैश नहीं लेंगे कहकर बोल रहे हैं। अब बैंक वाले भी हमारे पैसे नहीं, तो हम कहाँ जाए सर, चाहे तो इन पैसों में से आधे पैसे हम टैक्स भरने के लिए तैयार हैं, कृपा करके हमारे अकाउंट में ये पैसे डिपॉजिट कीजिए, कहा। नंदन, ब्लैक मनी के बदले टैक्स भरेंगे कहे तो नहीं चलेगा जी, रूल्स नहीं मानेंगे और उल्टा तुम पर ही केस डालेंगे। लगता है आपको काले धन को सफेद कैसे करते हैं ये पता नहीं है, आप बहुत मासूम लोग हो लगता है, अब जाइए, कहा। ये सुनकर किसान बहुत निराश हुए। इनकी बातें बैंक में मौजूद चिकोटी नाम का एक दगाबाज आदमी सुन लेता है। थोड़े दिनों के बाद चिकोटी उस गांव में एक एटीएम बनवाता है। चिकोटी सारे किसानों को उस एटीएम के पास बुलवा कर, मैं डल्लास बैंक से आ रहा हूँ, हमारे बैंक के ब्रांचेस अमेरिका में बहुत है, हमारी खासियत ये है कि हमारे एटीएम में आप जो भी करेंसी डिपॉजिट करोगे हम उन्हें डॉलर्स में बदलकर आपके बैंक अकाउंट में व्हाइट मनी बनाकर डालेंगे, उसके लिए सर्विस चार्ज के तौर पे सिर्फ 2% पैसे लेंगे। आप लोग घरों में पैसे रखकर डर डर के जी रहे हैं कहकर हमें पता है, इसलिए हमने आपके लिए ही ये एटीएम रखा है, आप इसमें जितना चाहे उतने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, आपका अकाउंट नंबर टाइप करके इसमें पैसे डाले तो बस है, सिर्फ 4 दिनों में ही आपके अकाउंट में पैसे व्हाइट होकर गिरेंगे, उसके लिए आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, कहा। ये सुनकर किसान बहुत खुश हुए। ऐसे सारे किसान उस एटीएम के सामने लाइन में खड़े हो गए। एक एक किसान बड़े बड़े बैग भर के पैसे लाकर उस एटीएम में पैसे डालने लगे। उस एटीएम के नीचे एक अंडरग्राउंड था। उस अंडरग्राउंड में चिकोटी था। एक बड़े से पाइप में से किसानों के डाले हुए पैसे उस अंडरग्राउंड में आकर गिरने लगे। चिकोटी तब पागल लोग यूं सोचकर हंसने लगा। ऐसे किसान आए दिन उस एटीएम में भर भर के पैसे डालने लगे। पाइप के द्वारा वो पैसे अंडरग्राउंड में आकर गिरने लगे। चिकोटी उन पैसों से अंडरग्राउंड में मनी बेड, मनी सोफा तैयार करवाया। उस मनी बेड के ऊपर सोकर चिकन मटन खाते हुए एंजॉय करने लगा। ऐसे 4 दिनों तक किसान लगातार एटीएम में पैसे डिपॉजिट किए। एक बार वो लोग बैंक मैनेजर नंदन से जाकर मिले। बोस नंदन से, मैनेजर जी आपने हमें मासूम कहा था ना, अब देखिए हमारे पैसे डॉलर के रूप में बदलकर हमारे अकाउंट में गिरे हैं, हमारे पासबुक में बैलेंस अपडेट किए तो हम जाएंगे, कहा। मैनेजर तब, ये बैलेंस क्या, व्हाइट मनी क्या, वैसे आप क्या बात कर रहे हैं, पूछा। तब बोस ने उन्हें जो बीता वो सब बताया। नंदन तब, हो गया, सब खत्म हो गया, कोई धोखेबाज आपको ठग के चला गया है, डल्लास नाम का कोई बैंक ही नहीं है, ये सब बड़ा धोखा है, मैंने कल ही इनकम टैक्स वालों से बात करके आपकी समस्या के बारे में उन्हें बताया है, वो लोग टैक्स भरवा कर आपके पैसों को व्हाइट मनी बनाने के लिए मान गए, इसके अंदर ही आप लोग जल्दबाजी में सारे पैसे गवा बैठे, कहा। ये सुनकर किसानों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। एक बूढ़ी औरत, हे भगवान, खेत खो दिए, अब पैसे भी खो दिए, हमारा क्या होगा, बोली। उस दिन बोस घर में उदास होकर बैठा हुआ था, तभी उसका पोता सोनू आकर, दादाजी आप सब एक बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, एक एटीएम में उतने सारे पैसे भरेंगे कहकर आपने कैसे सोचा, कोई भी आकर उसे खाली नहीं कर रहा है ना, वैसे अब हमारे पास कितने पैसे बचे हैं, पूछा बोस तब। हाँ तुमने सच कहा है, हमने ये सोचा ही नहीं, अब हमारे पास सिर्फ 5 लाख ही बचे हैं बेटा, कहा सोनू तब। वो पैसे मुझे देकर मैं जैसे कहता हूँ वैसे कीजिए, कहा सोनू। उन नोटों के ऊपर एक स्प्रे मारा और उन्हें एटीएम मशीन में डाला।
वो पैसे पाइप के अंदर से अंडरग्राउंड में आकर गिरे। चिकोटी उन्हें देखकर पागल लोग अभी भी पैसे डाल रहे सोचा और उन नोटों को अपने मनी बेड के ऊपर फैलाया। उस बेड के ऊपर सोकर बहुत खुश हो रहा था। थोड़ी देर के बाद बापरे बापरे जलन जलन मेरी चमड़ी जल रही है कहकर पुकारते हुए अंडरग्राउंड का दरवाजा खोलकर बाहर आया। वहाँ बोस और बाकी के किसान लठों के साथ तैयार थे। सब मिलकर चिकोटी को खूब मारे। सारे किसान अंडरग्राउंड को जाकर अपने अपने पैसे ले लिए। पुलिस वाले चिकोटी को जेल में डाले। सारे किसान सोनू की समझदारी की प्रशंसा करने लगे।